नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। दिनभर की खबरों के बाद अब वक्त हो गया है उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ नजर डालने का। उधम सिंह नगर में जिला खाद विभाग द्वारा चलाया गया 6 दिवसीय छापामार अभियान। खाद विभाग ने अभियान चलाकर जिले भर से खाद पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर की लैब में भेजे। खाद विभाग की टीम ने कुल 29 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग अब इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। अल्मोड़ा के राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों कई मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रदेश में बदलते मौसम में बीमारियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बुखार, जुकाम, सर्दी, बदन दर्द और गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने बताया कि काफ़ी लोग बुखार और जुकाम जैसी मरीजों के बढ़ने पर हमने मरीजों को अतिरिक्त इलाज देकर दवाई वितरण भी किया है, साथ ही मरीजों को एहतियात बरतने के बारे में जानकारी भी दी है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 23 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार ज्वालापुर निवासी नदीम अली ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कर कहा था कि हिंदू साधु संतों ने हरिद्वार में धर्म संसद का जो आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक किया था, उसमें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में भाजपा में भीतरघात को लेकर विधायकों का आत्मविश्वास चुनाव के नतीजे आने से पहले ही डोल रहा है। सबसे पहले चुनाव में भीतरघात को लेकर लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता का दर्द फूटा था, जिसके बाद काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा, चंपावत से कैलाश चंद गहतोड़ी, यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल ने भीतरघात होने की बात कही है। प्रदेश के करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को हर 2 माह या 1 माह में आने वाले बिल में बड़ी राहत मिली है। नियामक आयोग ने आदेश के बाद UPCL ने बिलिंग अवधि में परिवर्तन लागू कर दिया है। इसके तहत अब 45 के बजाय 25 से 35 दिन में 1 माह का और 75 के बजाय 55 से 65 दिन में 2 माह का बिजली बिल आएगा। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजे न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।